कभी लड़की बनके देखा है अच्छा लगता है, कभी लड़की बनके देखा है अच्छा लगता है। जब पीछे से आके कोई आपके बदन को यूं भाप कर चला जाए, कोई भी अश्लील इशारों से आपको बुलाने की कोशिश करे तो कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना बड़ा अच्छा लगता है। जब आपकी आंखों में इनकार और उसकी आंखों में इकरार हो, उसे ये भी कहां गवारा होता है। जो चीज जरा गौर फरमाइएगा, जो चीज मेरी ना हो सकी वो किसी और की कैसे हो सकती है। बड़खुरदार को ये भी कहां गवारा होता है। तेजाब, तेजाब तो एक सबक है जो ऐसी लड़कियों को मिलना ही चाहिए। वो दर्द कैसा होता है, कभी लड़की बनके देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है। जिसको आपने बीच राह पर यूं चीर कर रख दिया, जिसकी रूह को नहीं उसके शरीर को नग्न कर दिया, बिन इजाजत उसके बदन में घुसने की कोशिश की और अगर ना मानी तो लोहे की रॉड तो काफी थी, और फिर छोड़ दिया उसे उन रागों में यूं तड़पते हुए। और जो लोग औरतों की मिसालें देते हैं, उनके विकास की बातें करते हैं, उनमें से जाने कितनों ने उसे उस दिन देखा तड़पते हुए, पर छोड़ दिया उसे उस हालत में। जब आपके शरीर में एक नहीं दो नहीं हजारों हैवान एक साथ घुसने की कोशिश करते हैं तो कैसा लगता है, कभी लड़की बनके देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है। पर तुम तो ठहरे ना वाले, तुम्हें था क्या करना, तुम्हें तो था देश बदलना। जब अपने आबरू की उस कोर्ट रूम में बार बार दुहाई देने पड़े, उसने तो था एक बार कपड़े उतारा, पर जब ये समाज हमारी इज्जत बार बार उतारने में लग जाता है तो कैसा लगता है, कभी लड़की बनके देखिएगा अच्छा लगता है। कि तुम तो चले अपने हाथों में लिए कैंडल लाइट, हैशटैग की बरसात अपने FB और इंस्टा में, पर जाके कभी उस पिता से पूछना कि कैसा लगता है जिस बिटिया को इतने चाव से अपने बाबुल के अंगने में बड़ा किया, उसे डोली में नहीं अग्नि देके विदा करना पड़ा, वो दर्द कैसा होता है, कभी लड़की बनके देखिएगा बड़ा अच्छा लगता है। कि अच्छे दिन आएंगे, के अच्छे दिन आएंगे, पर मेरा एक सवाल है, आखिर ये बुरे दिन कब जाएंगे। जिन लोगों ने किए थे वादे हमारी रक्षा करने के, जब वही आके पूछते हैं कि मैडम इतना शॉर्ट कपड़ा पहना है तो ये तो होना ही है, और ये बोल के पल्ला झाड़ देते हैं, फिर कैसा लगता है, कभी वक्त मिले तो जरा ठहरिएगा, सोचिएगा, लड़की बनिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसा लगता है। This theme of life science is not to dishearten any of the other communities of society. It's not to dishearten any other gender or community of the society. It's only a stand for those who are against the women gender. Thank you. Say what society says. Don't you think this should change? We should sit properly for others' sake. We should talk politely for others' sake. Where we all belong to, if we talk too much, then we are feminist. If we love too much, then we are very easy. So today, let's go off the taunts. That's what we women want. To be, to live, to love. It's here, today, this moment, we all women out here want to say, we are unapologetically awesome. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल,
तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। शुगर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। To Sushma Swaraj, let's celebrate this age of her fearlessness, her flying free, flying high.